हेलो मेरे प्रियजनों, कैसे हो आप लोग। आज मैं टेंस का सेकंड जो पार्ट था, हमने प्रेजेंट टेंस क्लियर कर लिया और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है पास्ट टेंस, यानी कि हमारा भूतकाल। ठीक है, उसके फर्स्ट पार्ट के बारे में हम करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है ये कि ये हमारा पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का सबसे पहला पार्ट हमारा पास्ट इंडेफिनिट, जिसको कि हम सिंपल भी कहते हैं, वो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इसके भी चार पार्ट है। ठीक है, एक एक पार्ट करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हिंदी वाले वाक्य में अगर हम बात करें तो या, ई, ता था, ते थे, ती थी, ये आदि का प्रयोग होता है। कहने का मतलब है, जैसा आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा, मैंने खाना खाया। क्या खाया? ठीक। और हमने मैच जीता था, हमने मैच जीता था। तो दिख रहा होगा आपको लास्ट में क्या लिखा हुआ, या, ता था, ठीक है ना, लिया। एक चीज मेरी बात नोट कर लेना कि इनके साथ कभी भी जैसे खाया है नहीं होना चाहिए और ना खाया था होना चाहिए। ठीक है, वो फिर परफेक्ट का टेंस हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं इंडेफिनिट यानी कि सिंपल की, तो ये यहीं पे लीव हो जाएगा, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, मैंने खाना खाया, दैट्स ऑल। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें अगर आपका सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट, अगर आई, यू, वी, दे, प्लूरल, नेम, ठीक है, इसको हमने फर्स्ट ग्रुप में डिवाइड किया था, है ना, नेम्स को फर्स्ट ग्रुप में। नाउ हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप में, कौन था आपका, ही, शी, इट, किसी का नाम, किसी एक का नेम, और सिंगुलर। याद रखना ये दो ग्रुप होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों के साथ जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता सबसे पहला, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। कौन से फॉर्म का यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म का। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है? कोई भी हो सब्जेक्ट आपका, कोई भी हो, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, ठीक है, इसमें सेकंड फॉर्म लगेगा अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक, नाउ हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स आपका नकारात्मक वाक्य, इसमें भी सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, क्या यूज करोगे आप पता है? आप यूज करोगे डिड नॉट। क्या यूज करोगे? डिड नॉट, ठीक है ना, सब्जेक्ट कोई भी हो। ठीक, लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है, उसमें हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। बाकी जितने भी हमारे पार्ट होंगे उसके, ठीक है ना, सेंटेंस के, जैसे नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, उसमें हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर है? ये बहुत सिंपल है। ठीक, चलिए हम कुछ फॉर्मेशन लिख लेते हैं, फिर आसानी से हमें समझ आ जाएगा। फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, कौन सा? अफर्मेटिव। इसमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, ठीक है, फिर याद रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर दोस्तों? अच्छा, अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस में तो आपका कौन होता है? सब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है, और डिड नॉट। क्या? डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे हम इसमें, ध्यान रखना आप, ठीक है। अच्छा, एक और आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसमें डिड का यूज हम सबसे पहले करेंगे। क्या करेंगे? डिड का यूज हम सबसे पहले करेंगे, डिड प्लस में आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और फिर आपका इंट्रोगेटिव साइड। अब हम बात करेंगे इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसको कि हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, यानी कि उसको कि हम नॉर्मल वे में बोले
तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर क्या होता है आपका, डिड सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर दोस्तों, बहुत सिंपल रूल है, बहुत सिंपल वे में आपको बताऊंगा मैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल सबसे पहले, मैंने खाना खाया, क्या है, मैंने खाना खाया, ठीक है, याद रखना मैंने खाना खाया। इसमें हम है का यूज नहीं करेंगे, था का यूज नहीं करेंगे, इसी से हमें पता लग जाता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसमें क्या, मैंने मतलब आई, ठीक है, सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई। अब मैंने क्या किया है, एट, ईट का सेकंड फॉर्म एट, ठीक है, और उसके बाद फूड, एट द फूड। क्लियर हो गया आपको, ठीक। नाउ इसका जो दूसरा वाला पार्ट होगा कि मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, इसमें हम करेंगे आई, ठीक है, डिड नॉट, क्या करेंगे, डिड नॉट, और यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि ईट, ठीक है, ईट द फूड। क्लियर मेरे दोस्तों, ठीक। नाउ एक और होता है, क्या मैंने खाना खाया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसमें जो डिड है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो यही आगे आ जाएगा, डिड आई ईट द फूड। क्लियर, ठीक है, ऐसे ही आपका नेगेटिव वाला बन जाएगा कि क्या मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डिड आई नॉट ईट द फूड। क्लियर दोस्तों, समझ आ रहा है आपको, ठीक है ना। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, डस्टर कहाँ गया, ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें हम, जैसे कि हमारा सेकंड वाला एग्जांपल है कि हमने मैच जीत लिया था, हमने मैच जीता था, क्या है, ता था। अगर ये ऐसे भी होता, हमने मैच जीता या जीत लिया, हमने मैच जीत लिया, तब भी ये सेम सेंटेंस उसका बनता, ठीक है, जीत लिया था नहीं होता, जीत लिया है नहीं होता, क्या होता, जीत लिया सिर्फ, क्या होता, या, ठीक है, और हमने मैच जीता था, दोनों का मतलब सेम होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे क्या है कि हमने मैच जीता था, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो सब्जेक्ट कौन है, वी है, तो वी, और जीतने को क्या बोलते हैं, विन, विन का सेकंड फॉर्म वॉन, वी वॉन द मैच, ठीक है ना। अब दूसरा, हमने मैच नहीं जीता था, हमने मैच नहीं जीता था, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे वी डिड नॉट विन द मैच, ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है, ठीक है, सोना नहीं, क्लियरली पूरा ध्यान देना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। नाउ अगला पार्ट करते हैं हम इसका, कि क्या हमने मैच जीता था, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कि डिड वी विन द मैच, ठीक है मेरे दोस्तों। अच्छा, इसका अगर नेगेटिव वाला होता कि क्या हमने मैच
नहीं जीता था, तो इसका क्या बनेगा कि डिड वी नॉट विन द मैच। क्लियर है दोस्तों, समझ आ रहा है आपको? ठीक है ना, देखो मैंने हर तरीके से कोशिश करा। ठीक, याद रखना इसमें सिर्फ आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट है, जिसको कि हम पास्ट सिंपल भी कहते हैं। क्लियर है मेरे दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है ना। और याद रखना दोस्तों, वीडियो को शेयर करो, शेयर करने से आपका कुछ नहीं जा रहा लेकिन हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा, हमें पैसे की लालसा भी नहीं है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आपको एक तरीके से कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन प्रोवाइड हो। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, है ना। तो दोस्तों कुछ आप देख रहे हो, एग्जांपल दिए हैं मैंने, इसको आप एक तरीके से एक्सरसाइज मान लीजिए अपना। ठीक है, और इसको सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर इसको आप डाल दीजिए, ठीक है ना, जिससे कि मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, और मैं अपने स्टूडेंट से भी कहना चाहता हूँ, जितने भी हैं मेरे दोस्तों से भी कहना चाहता हूँ कि आप इसको सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।